हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज हम ट्राई करने वाले हैं शार्क टैंक में आई ये ब्रांड विच इज़ कॉल्ड रिकोड स्टूडियोज। सो दिस इज़ अ वन एंड ओनली मेकअप ब्रांड जो इस बार मैंने शार्क टैंक सीजन 2 में देखा एंड आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड टू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स एनी विच वेज बिकॉज यू नो मैं इनको इंस्टाग्राम पे इनके प्रोडक्ट्स वगैरह के वीडियोज रील्स ऑलरेडी देख चुकी थी इवन बिफोर दे केम ऑन शार्क टैंक। सो कुछ 7 to 8 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास ट्राई करने के लिए और बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई। सो मैंने इनके ऐप से ऑर्डर प्लेस किया था एंड 10 मार्च को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था लेट नाइट बिकॉज मेरा स्लीपिंग पैटर्न उसके बारे में बाद में बात करेंगे बहुत ख़राब हुआ हुआ है। सो बहुत देर रात को मैंने ऑर्डर प्लेस करा एंड 11th को शाम तक मुझे पैकेज रिसीव हो गया था। आई थिंक 4-5 बजे तक मुझे पैकेज रिसीव हो गया था विच इज़ रियली अमेजिंग। ऑल्सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई रिकोड, आई मीन दे डोंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है इसलिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ इस ब्रांड पे। मतलब जो मैं दूसरी वीडियो करने वाली हूँ जिसमें मैं डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई करूँ ना उसमें मैं इसको अगर इंक्लूड करती तो वो आई थिंक 1 घंटे की वीडियो बन जाती। इनकी ना काफ़ी जैसे ऐसे होलोग्राफिक सी पैकेजिंग है। आई ऑल्सो गॉट सम फ्रीबीज। सो कुछ इस तरह की ये पोटली आई थी। सो वी हैव अ चॉकलेट ओवर हियर, देन वी हैव दिस हनी एंड सैफरन सोप है, हाँ सॉरी। सो ये कुछ इस तरह का है एंड देन वी हैव समथिंग जिसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ तो है ये, मतलब आई कांट रिमेंबर द नेम, मुझे बताना इसको क्या कहते हैं, मैं भी भूल गई हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, तो मैंने आज इनके पिच तीसरी बार देखी। ऑब्वियसली ये वीडियो बनाने से पहले मुझे अपना होमवर्क करना था। सो इनके इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं अंडर अ बजट, प्राइस पॉइंट इज एक्चुअली क्वाइट अफोर्डेबल बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अंडर 1000 रुपीज। ऑल्सो इनकी आस्क थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। काफी इंप्रेसिव सेल्स थे, मतलब इनका इतना तगड़ा सेल्स के शार्क्स ऐसे उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि यार इतने अमेजिंग सेल्स, दे आर प्रॉफिटेबल ऑल्सो, स्टिल नोबडी इन्वेस्टेड। आई थिंक अमन और नमिता ने बोला कि फ्रेंड की कॉम्पिटिटर ब्रांड है तो इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मार्केटिंग स्किल्स आर अमेजिंग, मतलब वो 1-1 रुपए में बेच देना, फ्लैश सेल लगा देना। सो इनकी पिच मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड स्टिल अनफॉर्चुनेटली उनको कोई डील नहीं मिली विच मेड मी रियली सैड। जब मैं इनका ऑर्डर प्लेस करी थी वेबसाइट पे बहुत कन्फ्यूजन थी, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि कुछ तो दिक्कत हो रही थी विच इज़ वाई आई हैड टू डाउनलोड देयर ऐप, और ऐप पे मुझे सब बहुत ही ईजिली मिल गया। पैकेजिंग इज रियली नाइस, हाउएवर जो उनके स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग बहुत अजीब है, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे वो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना कुछ वैसी सी पैकेजिंग है। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज रिकोड स्टूडियो प्रो एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है सम आर मेड इन थाईलैंड, सम आर मेड इन जर्मनी। 295 इज द MRP एंड हाँ, जो मैंने ऑर्डर प्लेस करा गाइस कुछ तो ऐसे होली सेल चल रही थी, इतने अमेजिंग प्राइजेस पे मुझे मिल गए प्रोडक्ट्स उनके ऐप पे। सो ये मुझे मिला है कहाँ गया यार, सो ये मुझे मिला है 265 रुपीज का। ऑब्वियसली इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। आई जस्ट क्विकली अप्लाई वेर एवर आई हैव पोर्स एंड ऑब्वियसली जहां पर मेरा टेक्स्चर है वहां पे भी लगाऊंगी। ऑल्सो व्हेन आई चेक दिए एक अवार्ड विनिंग प्राइमर, आई थिंक फेमिना का कोई अवार्ड मिला इस प्राइमर को। पोर्स को तो हल्का सा डेफिनेटली इसने ब्लर करा है एंड ऑल्सो स्किन काफी स्मूथ फील हो रही है एंड इसका काफी सा स्मूथ सा टेक्स्चर है, मेरी स्किन को एकदम मैटिफाई कर दिया है। ऑब्वियसली समर्स में मैटिफाई स्किन ही चाहिए होती है, अदरवाइज स्वेटिंग वगैरह, लाइक ये जो ड्यूई मेकअप्स वगैरह चलते हैं ना ये कड़कती गर्मी में सारे बह जाते हैं। सो लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल। फाउंडेशन को मैंने स्किप करके डायरेक्ट कंसीलर लिया है एंड अभी के लिए आई थिंक आई एम गोना गिव दिस अ 4/5। थोड़ा 1 मार्क्स मैं अभी साइड में रख रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी के हाउ मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई ऑन टॉप ऑफ द प्राइमर। ना उसके बाद जो मैंने चीज़ ली है दैट इज दिस एस ऑफ बेस कंसीलर एंड जैसे कि मैंने बोला कि मेड इन थाईलैंड, नॉट गोना लाई आई हैव टेस्टेड दिस प्रोडक्ट वंस बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा करेक्ट शेड है भी या नहीं। सो इसीलिए मैंने इसको जैसे ही आया सबसे पहले मैंने सिर्फ इसको ट्राई करके देखा कि इफ इट्स द एक्चुअल शेड और नॉट। मैंने वाला शेड मंगवाया, इट्स कॉल्ड 05 tan एंड आई हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड एन ओपिनियन। वी आर जस्ट स्किपिंग फाउंडेशन फॉर टुडे बिकॉज एनी विच वेज फाउंडेशन अब बहुत कम कर दिया है सबने लगाना, यू नो पीपल हैव मूव टूवर्ड्स स्किन टिंट्स एंड बीबी क्रीम्स, टिंटेड सनस्क्रीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। हल्का सा कंसील कर रही हूँ, आई थिंक इट्स अ गुड मैच। आई मीन मैंने टैन मंगवाया, अगर मैं मीडियम मंगवाती तो शायद वो लाइट होता। सी हाउ स्मूथली इट ब्लेंड्स, बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है ये। सो इट्स अ रियली नाइस लाइक मीडियम टू हाई इश कवरेज। सो अगर आप थोड़ा सा बिल्डअप कर दोगे ना ये आपको पूरे से हाई कवरेज दे देगा एंड ऑल्सो इट हैज अ मैट फिनिश, इट्स लाइट वेट। ओके, बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला लगा मुझे इसका, इट गिव्स यू द कवरेज एंड इट लुक्स लाइक स्किन। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस। I actually remember when I applied this concealer last time, I mean the first time when I used this.
सो मैंने बहुत एकदम ऐसे नॉर्मल से कॉम्पैक्ट के साथ इसको सेट कर लिया हल्का हल्का, एंड ये बिल्कुल क्रीज नहीं हुआ. वेयर एज कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अच्छे से सेट नहीं करते हो तो प्रोडक्ट क्रीज हो जाता है थोड़ी देर बाद, एंड यू वुड हैव टू लाइक ऑब्वियसली रिप्लेनिश योर मेकअप, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है मेकअप को. बट ये एकदम ऐसा क्रीज प्रूफ कंसीलर है. सो या आई रियली लाइक दिस एंड आई थिंक आई एम गोना गिव दिस अ 4.5 out of 5. आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. आई जस्ट टेल यू द प्राइस ऑफ दिस वन, 775. इट इज एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी ऑन सेल्स यू विल फाइंड अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन रिकोड प्रोडक्ट्स. ये मुझे मिला था 697 का. हल्का सा आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन माय नेक बिकॉज नेक पे आई डू हैव पिगमेंटेशन. हेलो, हाय साबा, हाउ आर यू? या आई सॉ योर मैसेज. सो ऑफ स्क्रीन जाके मैंने थोड़ा सा अपने नेक पे भी लगा लिया था कंसीलर जस्ट टू इवन आउट यू नो माय फेस एंड नेक बिकॉज आई डू हैव पिगमेंटेशन. सो नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया था ना, बिकॉज आई गॉट सो एक्साइटेड अबाउट द चीक प्रोडक्ट बिकॉज दे डू मेक लिक्विड ब्लशेज एंड लिप एंड चीक टिंट्स बोथ, तो मैंने दोनों ही मंगवा लिए बिकॉज आजकल तो यार वैसे भी ना ब्लशेज एंड लिप एंड चीक टिंट्स बहुत ज्यादा इन है. एंड सबसे पहले आई थिंक आई एम गोना ट्राई दिस Ace of Base Liquid Blusher for all skin type, and this is the packaging. It comes in this tube. So iska jo price hai that is 495 rupees, but I got it for 299. So almost 100 rupees ka discount, which is amazing. And this is 20 grams, which is actually a lot. Pura bhul chuki kyunki maine kya mangwaya tha. So this is in the shade Loose Control, and it's a nice peachy shade, I guess. This is what it looks like. Let me just apply. Ooh, this is so smooth. ऐसा लग रहा है इसमें भी सिलिका डाला हुआ है, जो मतलब वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स में होता है ना. अब मैं इसको कैसे ब्लेंड करूँ, इस ब्रश से ब्लेंड करके देखती हूँ सबसे पहले. प्यार से ब्लेंड हुआ है. ओरे रे, बड़ी जल्दी ब्लेंड हो गया यार ये तो. अमेजिंग यार, ये बहुत जल्दी ब्लेंड हुआ है, मतलब ऐसे. एंड इट्स एक्चुअली पिगमेंटेड एज वेल. अभी थोड़ा सा शो अप नहीं हो रहा होगा कैमरा पे, तो मैं थोड़ा ज्यादा लगा के आपको दिखा रही हूँ. आई लव इट, इट्स नाइस, आई लाइक इट. ऑल्सो इसकी मैट फिनिश है, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ. सो इसकी मैट फिनिश है, बट इट्स लाइक अ सॉफ्ट मैट फिनिश, इट्स नॉट दैट मैट फिनिश. आई मीन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट? सो कुछ वैसी सी इसकी फिनिश है, सॉफ्ट मैट फिनिश. यार एक बात बताओ, अब मैं वो कैसे लगाऊंगी, टिंट कैसे लगाऊंगी यार, इसके ऊपर लगाऊं? चलो देखते हैं. भाई पक्का इसमें सिलिका डाला हुआ है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. बहुत सारा नहीं लगा दिया मैंने भावो होके, बट कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है. नहीं चाहिए लोन. Done with the blush, definitely a 515 for me because love the formulation. It's like very nice, very blendable, and हाँ मतलब it's like very smooth kind of. So would totally recommend you guys as well. उसके बाद we have this lip and cheek tint from Ricoh, और यहाँ सामने shade name भी लिखा हुआ है sunshine. So this is for 495 rupees and I got it for just 123 rupees. It's a mauve pink सा shade है इसका, and this is what it looks like. क्योंकि मैंने वो peachy सा blush मंगवा लिया था ना, that is why मैंने ये थोड़ा pinky सा cheek tint मंगवाया है. And I'm just gonna see the pigmentation. Ooh, this is so pigmented. And also इसमें jojoba oil है which is gonna moisturize your lips as well. मैं अपने डायरेक्ट लिप्स पे लगाने लग गई हूँ क्योंकि आप चीक्स पे वैसे भी नहीं लगा सकते हैं. काफी पिगमेंटेड है बिकॉज आई डू हैव पिगमेंटेड लिप्स. इट्स लाइक वेरी ओपेक एंड ब्लेंड्स ऑल्सो रियली नाइसली. ऑब्वियसली ब्लेंड हो गया जैसे हमारे वो लव अर्थ के और जस्ट नहीं अर्थ रिदम नहीं नहीं सॉरी जस्ट हर्ब्स के जो लिप एंड चीक टिंट्स आते हैं कुछ वैसा सा ही है. सो अगर आपको इतने ही डिस्काउंट पे मिले, 123 रुपीज में मैंने इसको लिया है, वेरी नाइस. एंड इसका हल्का सा ऐसा सॉफ्ट मैट फिनिश ही है. नेक्स्ट अप आई हैव टू ऑफ दीज आई प्रोडक्ट. सो वी हैव अ स्केच लाइनर, पेन लाइनर एंड ऑल्सो दिस मस्कारा. इट्स नॉट अ ब्लैक स्केच लाइनर, इट्स अ ब्लू स्केच लाइनर. दिस इज द रिकोड स्टूडियो प्रो ब्लू लाइनर. एंड इसकी पैकेजिंग होलोग्राफिक नहीं है, इसकी लाइक रेगुलर सी पैकेजिंग है. यू कैन सी व्हाट इज द एमआरपी. इसकी एमआरपी इज 515 रुपीज एंड आई गॉट इट फॉर 463 रुपीज. द टिप इज एक्चुअली क्वाइट प्रिसाइज, यू कैन सी. वू, आई लव द ब्लू शेड. लगा के देखती हूँ यार, ये काफी प्रिसाइज है, आई लाइक इट. हो गया, भावुक होके लगाऊंगी तो ऐसे ही होगा ना ऑब्वियसली, बट कोई बात नहीं, आई थिंक आई कैन मेक इट वर्क. हल्का सा मुझे स्टिफ लग रहा है, जैसे मैं ऐसे और ऐसे लगा रही हूँ ना, तो आई वुड हैव टू लाइक अप्लाई सम प्रेशर टू डू दैट. इसकी मैट फिनिश है, इट्स नॉट वन ऑफ दोस ऐसे शाइनी शाइनी लाइनर्स. वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ लाइनर, सो दैट्स नाइस. आई हैव फिगर्ड आउट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टिप, लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग.
जिसकी वजह से मेरा विंग आज परफेक्ट बन ही नहीं पा रहा है। आई एम गोना गिव दिस अ 3.5 आउट ऑफ 5 नाउ। आई डोंट नो, मुझे लग रहा था शायद प्रोडक्ट इनफ नहीं आ रहा है टिप पे, दैट इज व्हाई। मुझे लग रहा है प्रोडक्ट ना टिप में ही सूख रहा है। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद द टिप गाइज। आज का मेरा लाइनर जैसे भी लगा है प्लीज इग्नोर इट गाइज, क्योंकि मुझे आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल वर्किंग विद द पेन लाइनर। सो या 3.5 आउट ऑफ 5 आई वुड नॉट रिकमेंड। एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद द स्केच लाइनर बिकॉज यूजली ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। उसके बाद वी हैव दिस रिकोड स्टूडियो प्रो, वी स्टोल द शो मस्कारा एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। MRP ऑफ दिस वन इज 665 rupees एंड मुझे ये मिला है 598 रुपीस का। सो द मस्कारा क्लेम्स के ड्रामेटिक वॉल्यूम एंड लेंथ देगा लैशेस को एंड फॉल्स लैश वाला इफेक्ट आ जाएगा। लास्ट ऑल डे विदाउट फ्लेकिंग और स्मजिंग, इट्स स्मज प्रूफ दैट मींस। एंड ऑल्सो इसमें आर्गन ऑयल एंड पेंथेनॉल है जो कि मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट करेगा लैशेस को। पैकेजिंग इज ऑल्सो लाइक एवरेज ऑफ दिस वन, आई डोंट लाइक इट एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। दैट्स द फर्स्ट कोट एंड आई कैन एक्चुअली सी द लेंथनिंग इफेक्ट। Nice. थोड़ा सा हैवी लग रहा है, इट इज नॉट लाइट वेट। एंड अब मैं लगा रही हूँ लोअर लैशेस पे। टाइम टू अप्लाई द सेकंड कोट, देखते हैं वो फॉल्सीज वाला इफेक्ट आता है या नहीं। सेकंड कोट लगाते हैं, मेरी लैशेस क्लम्पी हो गई भाई साहब। ऑब्वियसली आई डोंट लाइक द क्लम्पीनेस, सो ऐसे कम कम क्वांटिटी लगानी पड़ेगी ऐसे एक्सेस हटा हटा के। अभी मैंने एक्सेस हटाया ना तो अब ठीक है। जस्ट गोइंग टू रिमूव द क्लम्प्स। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वॉल्यूम तो नहीं दिया है, बट नेचुरल वॉल्यूम मुझे डेफिनेटली नोटिस हो रहा है। प्लस लेंथ एंड दैट कर्ल इज लाइक रियली नाइस। आई थिंक आई एम गोना गिव दिस मस्कारा अ 4.5 आउट ऑफ 5। नाउ वी आर लेफ्ट विद सम लिप प्रोडक्ट्स। ये दो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे। वन इज अ लिप क्रेयॉन जो कि जिसकी तारीफ करी थी विनीता ने पिच में, बिकॉज शी लाइक डिट, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया है। एंड देन ऑब्वियसली मुझे लिप क्रीम ट्राई करने का मन था। दिस इज इट सेल्फी मैट लिप कलर क्रीम। आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस इज इन द शेड 05 थर्स्टी थर्सडे। दिस इज द आउटर पैकेजिंग एंड द MRP ऑफ दिस इज 665 रुपए, 665 रुपीज। मुझको मिला ये 598 रुपीज का। सो दिस इज अ नॉन ट्रांसफर मैट फिनिश का लिप क्रेयॉन। दिस इज द शेड, सो इट्स लाइक अ नाइस मोव न्यूड काइंड ऑफ अ कलर। ओ, वन स्वाइप में ही काफी अच्छा पिगमेंटेशन आ गया था, बट आई कैन सी दैट दिस शेड इज नॉट सूटिंग मी एंड दिस एक्चुअली ग्लाइड्स क्वाइट स्मूथली। लगाते के साथ ही ट्रांसफर प्रूफ बन गया। अभी तो लगाया था, पूरी मैट फिनिश है, बट आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह मेरे को वॉश ऑफ कर रहा है। ऑलमोस्ट मेरा पैसा खराब हो गया इस पे यार। हल्का सा स्टिकी लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा बिल्डअप करा था। मैंने और भी लिप क्रेयॉन्स ट्राई करे हैं। लिप क्रेयॉन एस्पेक्ट से आई थिंक आई एम गोना गिव दिस अ 4 out of 5। और मैं इसको हटाती हूँ एंड वी आर गोना ट्राई द लिप क्रीम नाउ। ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, इसका फॉर्मूला ऐसा है ना कि अगर लिप प्रेप नहीं करा ना ही लगाने से पहले तो डेफिनेटली ड्राइंग फील होगा। टाइम टू अप्लाई दिस सेल्फी मैट लिप क्रीम। इसकी भी सेम होलोग्राफिक पैकेजिंग है और जो मैंने शेड लिया इट्स कॉल्ड 07 टेडी डे। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज ऐसे शेड्स ही मुझे काफी अच्छे लगते हैं। इट्स अ लिप क्रीम सो आई एम अज्यूमिंग लाइक अ क्रीमी टेक्सचर। लेट्स फाइंड आउट। यार वन स्वाइप में बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है। ये हुआ ना शेड, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इट्स लाइक अ नाइस मूव ब्राउन कलर। सो दिस इज फॉर 625 रुपीज और मुझको ये मिला 562 रुपीज में। लिपस्टिक सेटल हो चुकी है, एकदम मैट फिनिश है इसकी एंड ऑल्सो इट्स क्वाइट लाइट वेट। लाइक सीरियसली एकदम ऐसा फेदर लाइट टेक्सचर लगा मुझे इसका। एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली डू अ ट्रांसफर टेस्ट। इट्स ट्रांसफर प्रूफ, सो या इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी। वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स नॉट फीलिंग ड्राइंग। सो लिप क्रीम से मैं काफी इंप्रेस हुई। आई एम गोना गिव दिस अ 5 on 5 डेफिनेटली। सो दैट वॉज माई फाइनल रिव्यू एंड विद दैट आई एम डन। सो दोज आर ऑल द प्रोडक्ट्स। अंदर से निकली है स्वरा भास्कर। दैट वॉज ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम रिकोड स्टूडियोज एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ प्रिटी नाइस जॉब। हार्डली एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आया, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई थिंक मैं काफी इंप्रेस हुई हूँ। एंड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो उनके प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली चेक इट आउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो जाने से पहले मुझे जरूर बताना कि आपको मेकअप लुक लग कैसा रहा है। मतलब नो फाउंडेशन लुक है विद ब्लू विंग लाइनर एंड मोव ब्राउन लिप्स, आई एक्चुअली क्वाइट लाइक इट। सो या दैट वॉज प्रीटी मच इट। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज शिवानी तनेजा ऑफिशियल। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स।
बाय बाय।